प्रयागराज में उमेश पाल की हत्याकांड मामले के बाद से ही उस घटना में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर का शव गुरुवार को कौशाम्बी में एक सरसों के खेत में मिला था। सरसों के खेत में जाकिर का शव देखकर गांव के लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। खेत में जहां पर जाकिर का शव था वहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर उसकी बहन गुड़िया की ससुराल भी है। शव की पहचान बहन गुड़िया ने अपने भाई जाकिर के रूप में की थी। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया तो वहीं देर शाम जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे भी हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि जाकिर के शरीर से कुछ पार्ट गायब मिले हैं। इतना ही नहीं, उसके एक हाथ का अंगूठा भी गायब है। पोस्टमार्टम में ये भी देखा गया है कि उसके शरीर में 1 इंच के कीड़े भी मिले हैं। इस बात की जाँच हो रही है कि ये कीड़े उसके शरीर में कहाँ से आए हैं, शरीर सड़ने से अपने आप पड़े हैं या फिर बाहर से शरीर में घुसे हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्या में शामिल साबिर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन साबिर इस घटना के बाद से फरार चल रहा है। लेकिन 9 मार्च को उसके भाई जाकिर का शव कौशाम्बी जिले के एक गांव में सरसों के खेत में पाया गया था, जिसकी पहचान उसकी बहन ने अपने भाई जाकिर के रूप में की थी। जहां पर शव मिला था वहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर उसकी बहन की ससुराल है। बहन का नाम गुड़िया है, जिसने उसकी शिनाख्त की, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तो वहीं जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम 22 मिनट तक चला, तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए, जिसमें देखा गया कि जाकिर के शरीर पर कई चोट के निशान भी थे और उसके शरीर से कई पार्ट भी गायब थे, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया। इतना ही नहीं, जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यह भी देखा गया कि जाकिर के एक हाथ का अंगूठा भी गायब है। इसके साथ उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए, तो वहीं उसकी नाक में गंगा नदी की रेत भी पाई गई, जिससे अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि जाकिर की हत्या करने के बाद उसके शव को इस खेत में ठिकाने लगाया गया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, और डॉक्टरों का कहना है कि उसके शरीर में लगभग 1 इंच बड़े कीड़े पाए गए। ये कीड़े या तो जब बॉडी सड़ जाती है उसके बाद पाए जाते हैं, या फिर बाहर से आए हैं। इस मामले की भी पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से हत्या करके शव को ठिकाने लगाया गया और उसके शरीर के कई पार्ट गायब कर दिए गए, तो इसके पीछे आखिर कौन है। फिलहाल पुलिस अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और उसके शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन पुलिस अभी भी यही कह रही है कि इस मामले में उनकी तफ्तीश जारी है और जल्द ही इस घटना का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन खुलासा कब होगा, इस पर लोगों की निगाह भी बनी हुई है। तो वहीं लोगों के बीच सवाल भी बना हुआ है कि आखिर हत्या करने के बाद उसके शरीर से ऑर्गन्स किसने निकाले, इसके पीछे कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़, लखनऊ।